सोहना के इंडरी मोड पर गुरुग्राम से इंटरव्यू देकर आ रहे वैगनार कार में सवार दो युवकों पर इको कार सवार युवकों ने साइड न देने पर कातिलाना हमला कर दिया, जहां हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही गुस्साए लोगों ने अम्बेडकर चौक पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही ACP हेडक्वार्टर अभिलक्ष कुमार व SDM जितेंद्र गर्ग सहित थाना प्रभारी अतिरिक्त पुलिस बल चौक पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। वहीं विधायक कंवर संजय सिंह भी शहर थाना सोना पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। धर्मेंद्र हमारा प्रधान भी है स्टेट पार्ट का, इसके लड़के आ रहा था और पीछे से 10-5 लड़के को पिकअप में थे और यहाँ जो अपना एंट्री मोड है यहाँ पर गाड़ी उसके आगे लगाई, उनकी बहुत इनसे मारा पीटी करी है, उनका मोबाइल छीना, उनकी चैन छूनी है और बहुत बुरी तरह मारे हैं, जो छुड़ाना है उनको भी मारा। तो व्यापार मंडल संघ क्या एक्शन लेता है? हमारा व्यापारी है, हम तो आज अगर कार्रवाई इन पे अगर ढंग से नहीं होती है तो व्यापार मंडल बहुत बड़ी मीटिंग करेगा और अपने सड़कों पर बैठेगा। अगर हमारी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो जिम्मेदार पे प्रशासन होगा। प्रधान जी ये भी बात आ रही कि पुलिस को कॉल मिलाते रहे और पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची? नहीं, अभी ये बात अभी हमें यहाँ आके पता है, अगर ये बात होगी तो हम अफसर इनके जो आला अधिकारी हैं इनसे बात करेंगे। पुलिस ऐसे लेट होगी तो फिर कैसे कार्रवाई होगी, इतने तो आदमी मार के डाल जाएंगे। तो अगर गुड़गांव से आ रहे थे जी तो बाईपास पे एकदम साइड मारी है गाड़ी में और फिर गाड़ी का लॉन्च करने लगे, एंट्री मोड पे जाके गाड़ी रुकवा दी उन्होंने। गाड़ी में 4-5 थे वो, पहले उन्होंने हाथापाई करी है, फिर जकरिया है उसके दुकान में कम से कम 15-20 लड़के सरिया डंडे सब कुछ पत्थर वत्थर मारे हैं, हथियार भी थे। आप कितने लोग सवार थे अपनी गाड़ी में? दो थे, दो भाई थे। तो कुछ सामान वगैरह भी कुछ गिरा? कुछ सामान वगैरह भी गिरा आपका, लूटा वूटा? हाँ जी, वही चैन नहीं है मेरे पास, तो पैसे भी नहीं, 10-11 हज़ार रुपये थे, कुछ भी नहीं चाहिए।